हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म वाले भी हैं और हिकमत वाले भी हैं। यही वजह है कि जो उमूर उम्मत के हक में बेहतर है उन्हें बयान फरमा देते और जिन उमूर का जाहिर करना बेहतर नहीं उन्हें छुपा लेते। आपको कुरान पाक तो ऐलान फरमा रहा है, महबूब हमने आपको वो कुछ सिखा दिया जिसका आपको इल्म नहीं था और आप पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में एक एराबी हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसको इख्तियार करने से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, किसी को उसका शरीक न बनाओ, नमाज फर्ज अदा करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो। एराबी ने अर्ज की, अल्लाह ताला की कसम मैं इन अहकाम में ज़्यादती करूँगा और न कमी करूँगा। आपने इरशाद फरमाया, जो आदमी किसी जन्नती को देखने से खुश होता है वो इस एराबी की ज़ियारत कर ले, लिहाजा आपने इस एराबी के जन्नती होने की बशारत दे दी। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।